तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। एक तो आरसीबी वैसे ही नहीं जीत रही, ऊपर से कैप्टन ने शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि इस साल कप नहीं। यहाँ तो कैप्टन ने ही आरसीबी फैंस के जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। कोई बात नहीं, अगले साल कप नाम दे। आज सीएसके और लखनऊ का मैच है, वो भी चेन्नई में, मतलब स्टेडियम फुल हो ही जाएगा। लेकिन यार, तुम उससे पहले लाइक तो फुल कर दो, बीच में ही छोड़ देते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है मॉन्की की तरफ से। तो मॉन्क ने गरीना के काले चिट्ठे खोल दिए हैं। देखो टीम, क्या हुआ, तुम्हारा भाई उठा सुबह सुबह, तुम्हारा भाई गया, मुझे कॉल आया था, जो उन्होंने कहा, एड्रेस दिया मुझे, तो तुम्हारा भाई गया सुबह सुबह। मेरा मन नहीं था सच बताऊं तो, बट क्या ने मुझे उत्साहित किया कि चल भाई चल, मैं भी आता तेरे साथ। तो तुम्हारा भाई गया, हे गाइस, मैं अंदर बैठा मैं, तो वहां पे गाइस तीन जो थे, पांच लोग थे गरीना के तरफ से, दो इंडिया के थे एंड थ्री तीन सिंगापुर के थे। तो जो इंडिया का सबसे पहले जो वहाँ पे मेन थे, जो पूछ रहे थे बातें, मतलब जो इंटरेक्ट कर रहे थे मेन, उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और शुड वी टॉक इन हिंदी। तो मैंने बोला कुछ भी चलेगा, बट अच्छा लगेगा कि हिंदी में करें, तो हिंदी में अच्छे से मतलब हो जाती है कन्वर्जेशन। तो ठीक है, फिर वो बैठ रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछे, बहुत सारी बातें पूछी, और तुम्हारे भाई ने बताया, तुम बार भाई बताया कि क्या क्या हुई बात। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लोगों ने गेम खेलना कम कर दिया है, ऐसा क्यों, लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है। तो तुम्हारे भाई ने कहा कि देखो सर, बात है ऐसी, दो पैसों जैसी, गेम है अभी बैन। तो तुम्हारे भाई ने बोला, देखो गाइस अभी गेम बैन है तो क्या करेगा कोई खेल के। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने टॉपअप करना क्यों कम कर दिया है, फिर से सेम क्वेश्चन फालतू सा। तो तुम्हारे भाई ने यही कहा, अगर गेम मान लो वापिस नहीं आएगा, अभी नहीं कभी भी नहीं, तो लोग इन्वेस्ट करके क्या करेंगे उस चीज़ पे जो वापस तुमको कुछ देगी नहीं इन फ्यूचर। तो उन्होंने बोला ओके। तो तुम्हारे भाई ने कहा कि बीजेएमआई का क्या सीन है, बीजेएमआई बैन हुआ, उनके तरफ से अपडेट आया कि वी विल बी बैक सून, तो तुम्हारे तरफ से क्या है कि बीजेएमआई अपडेट देता है कि वी विल बी बैक सून, तुमने क्या किया है। तो मुझे वो कहते हैं कि अगर हमने ये पोस्ट डाल दिया कि वी विल बी बैक सून इन फ्यू मंथ्स या कुछ भी, मतलब हम पर्टिकुलरली डेट नहीं बताएंगे या कुछ टाइम नहीं बताएंगे, बट अगर हमने ये बता दिया कि हम आएंगे वापस, तो क्या लोग वापस से गेम खेलेंगे, वापस से टॉप अप करेंगे, तो मतलब क्या रहेगा गेम में लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो तुम्हारे भाई ने कहा अगर तुम्हारी ऑडियंस अभी घट रही है इस वजह से कि गेम नहीं आएगा, उनको तुम्हारी तरफ से कुछ है ही नहीं क्योंकि तुम कुछ बताते ही नहीं हो, गेम आ रहा है नहीं आ रहा है, जा रहा है क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो वहां पे रह के क्या करेंगे। तो अगर तुम कुछ अपडेट दोगे तो ऑब्वियसली बात है लोग वापस से उसको खेलेंगे, वापस से उधर मेहनत करेंगे, वापस से तुम्हारी ऑडियंस बढ़ेगी। तो एक चीज यही बात थी जो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम वापस आएंगे, जो तुम्हारे भाई को लगा कि कुछ हो सकता है वापस आ सकते हैं, बाकी मुझे जो उनकी बातों से लगा, बातचीत जो होती है उनसे लगा कि उनको सिर्फ मतलब था पैसों से और ऑडियंस से, कि ऑडियंस कम क्यों हो रही है और पैसा कोई क्यों नहीं खर्च कर रहा है, इवेंट पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो वो सब क्वेश्चन मुझे फालतू लगे सर, बताओ तुम्हारा गेम बैन है प्रो, तुम्हारा गेम इंडिया में बैन है, तो कोई उस पर कैसे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाएगा पहले जितना। ये था मेन टॉपिक जो मैं उनको समझा रहा था कि ब्रो कुछ भी हो गेम बैन है, कुछ भी हो गेम बैन है, इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है क्योंकि गेम बैन है, ऐसे खर्च क्यों नहीं कर रहे क्योंकि गेम बैन है, सब चीज का तुम्हारे भाई ने यही बोला कि ब्रो गेम नहीं है तो लोग करेंगे क्यों। अब मुझसे एक चीज बताता हूँ, 160 रुपये का और 500 रुपये का मेंबरशिप होता है, अब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम 80 का मेंबरशिप ला दे तो लोग टॉपअप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन लोगों पे, सच बताऊं तो ऐसे नल्ले पाओ क्वेश्चन थे, तुमको गेम वापस लाना है या नहीं लाना है ये सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि लोग पैसे क्यों नहीं डाल रहे हैं, जब पैसे डालेंगे गेम आएगा तो डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट अपडेट है रोकी भाई की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि अगर फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स में कोई हॉल ऑफ फेम होगा तो उसमें सबसे पहला नाम वासियो का आएगा। वासियो के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? दी बेस्ट प्लेयर भाई, ऑल टाइम ग्रेट अगर पूछो तो वासियो भाई, ऑल टाइम ग्रेट।
वासियो, सबसे पहला इंडिया में अगर हॉल ऑफ फेम का ई-स्पोर्ट्स अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वासियो को, पहले वासियो को मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए आइकॉनिक को, क्योंकि ये दो प्लेयर ने सबसे ज्यादा ई-स्पोर्ट्स खेला है। कंपेयर अगर आप करें आइकॉनिक और वासियो, भाई ये दोनों ने सबसे ज्यादा ई-स्पोर्ट्स खेला है। अब भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गेस द वॉइस। कल की आवाज से निवेश की, अब आज की आवाज गेस करो। तेरी नचिरों ने दिन का किया सर ये हुआ। अगली अपडेट है TWOB के बारे में। तो ब्लड भाई ने बताया कि मई में बूट कैंप का शूट शुरू हो जाएगा। चलो जुलाई की डेडलाइन रख लेते हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल का आंसर था 22 यार्ड्स या 20 मीटर्स। आज बताओ ODI और T20 में हम रेड बॉल का यूज क्यों नहीं करते? यहाँ हमसे मतलब है प्रोफेशनल क्रिकेट से। तभी क्या होगी, हम गली क्रिकेट में 5 ओवर के मैच में भी रेड बॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है 4 अननोन के बारे में। तो वाइपर ने बताया कि 4 अननोन शुरू से ही राधे ठाकुर की टीम थी और डेड सोल सिर्फ फेस था। डेड सोल के निकलने के बाद केविन कौन सा टूर्नामेंट जीता ये भी बता दो। तुमको क्या लगता है डेड सोल? तुमको आइडिया नहीं है रे, तुमको जस्ट वही दिखाया जो तुमको स्क्रीन पे दिखाया गया। 4 अननोन हमेशा से राधे ठाकुर की थी मेरी जान। राधे ठाकुर बैन था, राधे ठाकुर ऑफिशियली इसलिए कहीं पे भी अपना नाम दिखा नहीं पाए। ड्रॉप पॉइंट, स्ट्रेटजी, प्लेयर सिलेक्शन सब कुछ राधे ठाकुर का किया था, ठीक है। डेडसोल वाज लाइक फेस, काम राधे ठाकुर करता था, क्रेडिट्स डेडसोल पे जाता था। डेडसोल की कितने बार आईडी से राधे ठाकुर खेला है बड़े बड़े टूर्नामेंट। और रही बात कौन सा टूर्नामेंट जीता, FFPL पता है? वो नहीं जीता था राधे के खेलते हुए। भाई इतना बुरा लग रहा था ना यार। अगली अपडेट है AP के बारे में। तो रोकी भाई ने AP पे रिएक्ट किया है। योर व्यूज ऑन AP यार, कमाल का स्नाइपर भाई। मुझे लगता है अपने टैलेंट के मुताबिक भाई को उतना ज्यादा मिला नहीं तबज्जो, बट मुझे ऐसा लगता है इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर मैन, इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। अब भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है मीम सरीना। इसमें हम वीडियो मीम दिखाएंगे अगर कोई भेजेगा तो, बट यार ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, फनी हो और डायरेक्टली टारगेट ना कर रहा हो किसी को। आज के लिए पहाड़ी का मीम जो भेजा अंकित गुज्जर ने। यहाँ देखो इस पे देखो मैप। अरे भाई कैसे देखूं यार, ये पूरा गेम लैग, मैं खेलूं कैसे इतने लैग में? मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। पहाड़ी ऑफ ले ली भाई पहाड़ी ने। अब भरत अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्लेयर ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्लेयर डिलीट का जिन्होंने 1v3 किया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे और शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।